हाय, मैं हूं नम्रता बुंदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। और बात करेंगे कोरोना वायरस की, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर अब लोग इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि ये संख्या दिन प्रतिदिन हज़ारों में बढ़ती जा रही है और कम होने की अभी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। वैक्सीन अभी तक इसकी मार्केट में नहीं आ पाई है। हालांकि दुनिया के तमाम देश अब इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि सोच रहे हैं कि कोई ना कोई देश इसकी वैक्सीन बना ले और वो वैक्सीन हमें मिल जाए, कैसे भी वो वैक्सीन हमें मिल जाए। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है कि इस पर कोई काम नहीं चल रहा है। बड़े बड़े स्तर पर वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है और लगभग 180 वैक्सीन कैंडिडेट्स जो हैं वो अलग अलग स्टेजेस में अपना काम भी कर रही हैं, जिसमें से 30 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो ह्यूमन ट्रायल्स तक में पहुंच चुके हैं। और अगर ये ट्रायल सक्सेस हो जाते हैं तो वैक्सीन के मार्केट में आने की पूरी उम्मीद है। और ऐसे 30 जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो उनका जो ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, अगर वो ह्यूमन ट्रायल सक्सेस रहता है तो वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। लेकिन तमाम जो वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं वो केवल एक देश पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। हालांकि तमाम देशों में इस पर काम चल रहा है, लेकिन एक देश पर सबकी नज़र है। कौन सा है वो देश? वो देश है भारत। क्यों? क्योंकि इसकी एक खास वजह भी है, क्योंकि तमाम जो वैक्सीन्स होती हैं, और यानी कि हम जैसे कहें कि इबोला हुआ या येलो फीवर हुआ और भी कई तरह की बीमारियों की जो वैक्सीन्स होती हैं, उनका आधे से ज़्यादा प्रोडक्शन, या यूँ कहें कि 60% इन बीमारियों का वैक्सीन का प्रोडक्शंस जो होता है वो भारत में ही होता है। 60% प्रोडक्शन भारत में ही होता है। इसीलिए तमाम देशों को ये उम्मीद है कि भारत में ये कोरोना वायरस की वैक्सीन भी भारत अब बना ही लेगा। इसलिए सभी की नज़रें अभी भारत पर ही टिकी हुई हैं। और इस बीच तेलंगाना की राज्यपाल भी हैदराबाद पहुंची, जहां पर वे भारत बायोटेक के ऑफिस पहुंची और वहां पर जो वैक्सीन का काम चल रहा है, कोरोना की वैक्सीन को लेकर जो काम चल रहा है बड़े बड़े स्तर पे, उन्होंने वो पूरा काम देखा कि इस वैक्सीन का काम आखिर कैसा चल रहा है, क्योंकि अब ये जो ट्रायल है वो ह्यूमन ट्रायल में भी पहुंच चुका है। और आपको बता दें कि हैदराबाद के जो भारत बायोटेक ऑफिस है वहाँ पर वैक्सीन बनाने का काम किया जा रहा है। जो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और भारत बायोटेक दोनों मिलकर को वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए तेलंगाना की राज्यपाल जब वहाँ पर पहुँची, उन्होंने पूरा वहाँ का काम देखा और उन्हें वो देखकर काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि वो उन्हें एक उम्मीद बन गई कि अब शायद दिसंबर तक ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। जिस तरह से वहाँ पर उन्होंने काम देखा, उस काम को देखकर लगा कि दिसंबर के महीने तक वैक्सीन जो है वो मार्केट में आ जाएगी, और वो भी काफ़ी प्रभावशाली वैक्सीन होगी और रिजनेबल रेट में मिलेगी, जिसे हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। और इसीलिए उन्होंने जो बयान वहाँ पर से आकर दिए हैं उसे सुनकर सब लोग खुश हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब मैं हैदराबाद गई, मैंने भारत बायोटेक के ऑफिस में वहाँ देखा, वैक्सीन का काम देखा, तो काफ़ी अच्छे से ये काम चल रहा है। ह्यूमन ट्रायल में भी काम पहुँच चुका है, वैक्सीन का काम ह्यूमन ट्रायल में पहुँच चुका है, और जब ये सक्सेस हो जाएगा तो दिसंबर के अंत तक ये जो वैक्सीन है वो शायद मार्केट में मिल जाएगी, वो भी कम दामों में मिलेगी और काफ़ी प्रभावशाली होगी, क्योंकि भारत में बन रही है इसलिए भारत के लोगों को ये काफ़ी कम दामों में मिल जाएगी। अब जब इसके बाद सबको थोड़ी खुशी हुई, थोड़ी उम्मीद बंधी कि शायद अब दिसंबर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल जाएगी, और जो लगातार ये जो हज़ारों की संख्या में रोज़ मामले सामने आ रहे हैं ये अब शायद ख़त्म होते नज़र आएंगे। हालांकि बाकी राज्यों में भी इसको लेकर काम चालू हुए, क्योंकि भारत बायोटेक की ओर से जो वैक्सीन बनाई जा रही है उसमें यूपी में ही, आपको बता दें कि यूपी में ही 3000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है जिन पर इसका ट्रायल होना है, और बाकी राज्यों में भी कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है और उन्हीं कैंडिडेट्स पर इस वैक्सीन का काम होना है। और अब जब ये जो ट्रायल है ये अक्टूबर नवम्बर तक चलेगा, और फिर अगर ये सक्सेस होता है तो 15 दिन इसके कलेक्शन में लगेंगे, यानी कि दिसंबर के एंड तक ये वैक्सीन शायद मार्केट में उपलब्ध हो सकती है। ICMR का ये भी कहना है कि जो वैक्सीन 50% तक प्रभावशाली रहेगी उसे मंजूरी दे दी जाएगी मार्केट में उपलब्ध होने के लिए। और यही उम्मीद की जा रही है कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है जिसका ट्रायल किया जा रहा है उसमें हाई लेवल एंटीबॉडी बन रही है लोगों में,
उस वैक्सीन के बाद लोगों के शरीर में हाई लेवल एंटीबॉडी बन रही है और इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि ये वैक्सीन जो है काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है और इसे मार्केट में उपलब्ध करवाया जा सकता है लोगों में। अब ये जो फैसिस का ट्रायल है, अगर ये सक्सेस होता है तो किसी भी वैक्सीन के, आपको ये भी बता दें कि किसी की भी वैक्सीन का अलग अलग फेजेस में ट्रायल होता है। ये फेजेस कई, जैसे पहले इनको जानवरों पर ट्रायल किया जाता है, अगर वो सक्सेस होता है इसके बाद ह्यूमन ट्रायल होता है, और ह्यूमन ट्रायल भी 3 फेजेस में होता है। जो फर्स्ट फेजेस में क्या करते हैं कि इन्हें कम लोगों पर, यानी कि 100 से भी कम लोगों पर इनका ट्रायल होता है, और वो 100 लोग कौन होते हैं, जो पूरी तरह से हेल्दी होते हैं, जिनमें किसी भी तरह की कोई छोटी सी भी बीमारी नहीं होती है, उन पर इसका ट्रायल होता है। अगर ये ट्रायल सक्सेस होता है तो फिर इस संख्या को बढ़ाया जाता है, यानी कि 100 से ज़्यादा लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है, और ये लोग भी हेल्दी ही होते हैं, इनमें भी किसी तरह की बीमारी नहीं होती है, क्योंकि वो इस वैक्सीन को झेल पाएँ, ऐसे लोगों पर इसका ट्रायल किया जाता है। अगर सेकेंड फेज भी सक्सेस होता है तब इसको थर्ड फेज में ट्रायल किया जाता है। और ये क्या होता है, इसमें जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, प्रेग्नेंट लेडी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन सब पर थर्ड फेज में इसको ट्रायल किया जाता है। और अगर ये ट्रायल भी सक्सेस होता है तो फिर वैक्सीन को मार्केट में उपलब्ध करवाया जा सकता है। और आपको ये बता दें कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसका भी यही ट्रायल चल रहा है, और अगर ये ट्रायल सक्सेस होता है तो वैक्सीन आपको दिसंबर तक भारत के मार्केट्स में मिल सकेगी। ये सबसे खुशी की बात है आज की। थैंक यू। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।